हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की वीडियो है मेरे कि हम अपने पैड को पैंटी में कैसे सही तरीके से लगाएं। वो हमारी बहुत सारी लेडीज़ को, गर्ल को, जो खासकर जो पहली बार यूज करने वाली हैं, करती हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि पैड्स को पैंटी में लगाते कैसे। ये कंफ्यूज रहती हैं कि हमें कपड़े जैसा ही इसे यूज करना है या फिर इसकी क्या टेक्निक होती है। तो चलिए आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये कंफ्यूजन आपका दूर करने वाली हूँ। और मैं बताने वाली हूँ कि हम अगर आप पहली बार पैड यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करते हैं पैड को। तो देखिए, मैंने यहाँ एक पैड ले लिया है और ये पैंटी ले लिया है। तो हमेशा जो पतला वाला हिस्सा होता है उसको आगे की तरफ रखते हैं और जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है उसे पीछे की तरफ रखते हैं। वो सबको नॉर्मली सबको पता होता है। तो ऐसा ही पैड में भी होता है। जो अगर आपने देखा होगा कि ज़रा सा जो पतला सा हिस्सा है या टेप के आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा कम साइज़ का, छोटे साइज़ का होता है, तो उसे हमेशा आगे की तरफ रखते हैं और लंबे वाले साइज़ को और चौड़े वाले साइज़ को पीछे रखते हैं। और इसके पीछे, हर पैड के पीछे एक स्टिकर होती है जिसे निकाल के आपको पैंटी में स्टिक करनी होती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने इसे निकाल लिया है और जो आगे का जो छोटा सा एरिया है उसको मैंने आगे रखा है और जो पीछे का लंबा वाला एरिया है, चौड़े वाला एरिया है, उसको आपको पीछे के पैंटी के पीछे साइड में रखना है। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से स्टिक कर लिया है और एक बीच में भी आपको स्टिकर मिलता है, आप देख सकते हैं। मैंने इसे भी निकाल लिया है और इसमें भी अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसे कहाँ चिपकाना है। तो इसे आपको पलट के अपनी पैंटी के दूसरे साइड में चिपकाना होता है ताकि आपके जो पैड है वो पैंटी में कहीं इधर से उधर खिसकने का डर नहीं रहता है और बिल्कुल एक जगह ये स्टिक हो जाता है। फिर आप जैसे भी रहो, कूदो, फांदो, चलो, कुछ भी करो, आपका जो पैड है वो एक ही जगह स्टिक रहेगा और आपके लिए इजी रहता है। अपने पीरियड में अपने नॉर्मल डेज की तरह ही आप बिता सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके से जो पतला वाला हिस्सा होता है वो हमें आगे की साइड पहनना है। और जो देखिए, ये जो वी लाइन बनी है, जो पतला वाला हिस्सा है वी लाइन, उसे हम आगे रखते हैं और जो वी लाइन चौड़े वाला हिस्सा है उसे हम पीछे के साइड रखते हैं। और अब ये रेडी हो गया है आपके पीरियड में ये पहनने के लिए। तो अगर आप कंफ्यूज थे कि हमें पैड को कैसे लगाना है, तो अगर आप, आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए, मैं इसे खोल के भी दिखा दे रही हूँ कि ये कैसा हो जाता है। और ये देखिए, अंदर ये लॉकेज बना रहता है जो कि आपके पीरियड ब्लड को अच्छे से लॉक करता है इसमें। और ये देखिए, ये है पीछे का साइड जो कि थोड़ा सा चौड़ा होगा, तो हर पैड में होता है, तो उसको पीछे लगाइए और हल्का सा पतला होगा पीछे की अपेक्षा, तो उसको आगे रखिए। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा।